हे दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की हमारी एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों आइसर 548 DI ट्रैक्टर को। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको इसकी नई कैश प्राइस क्या देखने को मिलेगी। अगर आपका बजट कम है और आपको कराना है ट्रैक्टर को फाइनेंस पे, तो इसके EMI के दो प्लान क्या देखने को मिलेंगे, सभी बातें आपको वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रैक्टर के कैश प्राइस के बारे में। एक्स शोरूम प्राइस आपको 6,45,000 रुपए से 6,60,000 रुपए के बीच में देखने को मिल जाती है। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ऑन रोड प्राइस में हमने RTO इंश्योरेंस और अदर चार्ज को ऐड करने के बाद ऑन रोड प्राइस को निकाला है। ऑन रोड प्राइस आपको 6,70,000 रुपए से 7,00,000 रुपए के बीच में देखने को मिल जाती है। ऑन रोड प्राइस आपको हर एक स्टेट में अलग अलग देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये तो बात इस ट्रैक्टर के कैश प्राइस के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं इसके फाइनेंस के प्लान के ऊपर। अगर आपका बजट कम है और आप करते हैं कम से कम डाउन पेमेंट 2,70,000 रुपए की, तो इसकी लोन अमाउंट आपको 4,00,000 रुपए निकल के आती है। अगर आप कराते कंपनी या बैंक से फाइनेंस, रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और लेते हैं टाइम अगले 5 साल यानी 60 महीने की लोन अमाउंट को कंप्लीट करने के लिए, तो इसकी महीने की EMI आपको 8,498 रुपए पर मंथ निकल के आती है। तो दोस्तों, तो बात हो जा रही पहले प्लान के बारे में जानकारी। अब बात करते हमारा दूसरा प्लान जो हमने लिया 6 साल के लिए। अगर आप कराते ट्रैक्टर को फाइनेंस पे, तो आपको इसकी पर मंथ की EMI 7,410 रुपए निकल के आती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको आइसर 548 DI ट्रैक्टर के कैश प्राइस और फाइनेंस के प्लान के बारे में बताया है। अगर आप भी चाहते किसी गाड़ी बाइक के बारे में जानना, कितने डाउन पेमेंट में जानना चाहते हैं, आप हमें नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।